एक्चुअली मैं एक गाना गाना चाहती थी लेकिन मैं वो गाना नहीं गाऊंगी क्योंकि मेरी आवाज बहुत खराब है। नहीं, प्रिय प्रिय आपको एक जरूर चीज बोलूंगा जी, आप इस तरह बिल्कुल बात नहीं करती हो। मैं देखा आप ऑफ कैमरा बिल्कुल अलग बात करती हो, जैसे कैमरा ऑन होता है लाइट उसकी लाइट जलती है लाल, तो आपकी पता नहीं कौन सी लाइट जल जाती है, आप एकदम अलग हो जाती हो। तो ये राज क्या है? राहुल ने मेरे दिल की बात प्रियदर्शनी को बोल दी जो मैं नहीं बोलना चाहती उसको कभी भी, क्योंकि अगर उनको कुछ बोलो तो वो हर बात को झगड़े में कन्वर्ट कर देती है और उनकी छोटी सी बात बहुत देर में खत्म होती है। आपको बताइए 10 साल से मुझे मिली, इनको बताइए आपके बारे में कि 10 साल से क्या आपने कैसे देखा था। एक्चुअली जब मैं 14 साल की थी तो वाकई लगा मुझे कुछ हुआ, टिगलिंग हुई, गुदगुदी हुई और मुझे इनके बारे में वाकई जेन्युइन महसूस हुआ था कि हाँ मैं इनको बहुत बहुत बहुत। कहाँ कहाँ गुदगुदी हुई आपको? मेरे ख्याल से खास करके आशु को इंटरेस्ट प्रियदर्शनी में बहुत आया क्योंकि जितने हाव भाव थे वो देख के उनको लगा कहने की थोड़ी सी नौटंकी चल रही है, मगर तो उनकी काफ़ी चुटकी उन्होंने ली और कहने की ये बात भी निकली मेरे बोलने से, आशु के बोलने से कि प्रियदर्शनी हमेशा जो कहती है कि 10 साल से जानती है प्यार में, तो 10 साल के बीच में उनका रिलेशनशिप भी था तो वो तपस्या उनकी कैसे भंग हो गई? 10 साल के बीच में आपने कोशिश क्या की उनसे मिलने की अगर ऐसा कुछ था? बहुत सारी कोशिशें की हैं। जैसे कि जैसे कि फंस गई लड़की। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि मैं सिर्फ इसलिए बीजेपी कार्यालय में गई हूँ कि क्या पता ये मुझे एक बारी कहीं वहाँ पे भटकते हुए दिख जाए। तो पार्टी वाइज नहीं बोल दिया। ओनली लिंक व्हिच आई हैड, ठीक है, अब मैं इनके पास जाके पागल की तरह नहीं बोल सकती थी कि लिसन आई हैव अ क्रश ऑन यू एंड आई लाइक यू, बिकॉज़ दैट वुड साउंड वेरी इमैच्योर। सही बात। ठीक है, ठीक है, सारा ही कुछ ठीक है, बताना इन तो फिर ठीक ही है। तो आप बताइए। कोई सीक्रेट नहीं है, कुछ बातें होती हैं जो आई थिंक क्लियर होनी चाहिए थी वो राहुल से मैं कर चुकी हूँ आई थिंक। हाँ जी, हमारी चर्चा हो चुकी है। तो ऐसा कुछ है नहीं जो ऑन कैमरा हो चुकी है, तो जो मैं इनको मतलब मुझे बताना चाहिए था और मैंने नहीं बताया, सो इट्स क्वाइट इट्स ऑल क्लियर। एक मैं रिक्वेस्ट जरूर करना चाहती हूँ राहुल से ऑन कैमरा, जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ बहुत ज़्यादा मैं उनके साथ गेट वो इन्वॉल्व होती जा रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में भी जो उनको पसंद है वो मुझे कहाँ करें सो दैट मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूँ, जिससे मैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज आ सकूँ, बस ये। अच्छा, मैं चाहती हूँ आपसे। दोनों ये बताइए कि आपने ऐसा कहीं तो कहीं हमें बातचीत में कहा था जो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रिपीट करें, आपने कहा था अगर आप किसी से प्यार में पड़ेंगी तो या तो उस व्यक्ति को पाएगी या तो आप आत्महत्या करेंगी। ऐसा आपकी सच में विचार है? उसमें गलत नहीं, एक्चुअली और मैंने इसलिए कही थी, रीजन है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ। समझो इस कार्यक्रम में आप फाइनल तक है और आपसे शादी न हो किसी और से तो आप उसके साथ आत्महत्या करेंगे। तनु ने जब बात की थी राहुल से ऑफ कैमरा, ये बात की थी तनु ने कि मैं आपसे इतनी इन्वॉल्व हो जाऊंगी कि शायद मैं सुसाइड कर लूँ, तो मेरे को लगता है उसको बोलने में थोड़ा मतलब वो बोलना कुछ और चाहती थी और उसने जल्दी जल्दी में बोल ये दिया क्योंकि वो ओवर एक्साइटमेंट में बहुत कुछ ऐसा बोल जाती है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाऊंगी अगर ऐसा होता है। मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली इसी वक्त यहाँ पे कह रही हूँ कि यस, अगर मैं फाइनल 3 में जाती हूँ और आपसे मेरी शादी नहीं होती है एंड इफ आई यू नो आई रियली थिंक दैट आई एम इन लव विद यू देन आई थिंक आई विल बी इन डिप्रेशन। अगर आप आने वाले कुछ दिनों में अगर आप जाती तो क्या रहेगा आपकी मानसिकता? आप कभी डिप्रेशन में रहेंगे? हाँ, अभी मैं ये कहूंगी कि अगर आज मैं यहाँ से चली जाती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं डिप्रेशन में जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि अभी मेरे को आपसे, मैं आपसे शादी करने आई हूँ, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, पर मैं ये नहीं मानती कि जरूरी नहीं है जो शादी होती है वो सिर्फ प्यार के ऊपर ही आधारित होती है। तो वो जो मैं आपको कहूंगी कि मेरा इस वक्त ऐसा आपसे बॉन्ड नहीं है कि अगर आपके साथ नहीं रही तो मर जाऊंगी या जी नहीं सकती। आत्महत्या का मतलब सचमुच मारना नहीं था,
वह जरूर डीप डिप्रेशन में जा सकती है और जितनी अटैचमेंट बढ़ती है उतना उनको प्रॉब्लम होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं इस तरह का, मतलब मेरे लिए सभी लड़कियाँ इक्वल है, मैं जानता हूँ कि उनका प्यार मेरे लिए काफ़ी है, मगर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ ज़रूर एक प्रेशराइज करती है और फिर एक फेयर तरीके से मैं देख नहीं सकता हूँ कि मेरी दुल्हन कौन बन सकती है। ऐसा तो जब आप आए तो इतना तो बेसिक पता होना चाहिए। हाँ, पता होना चाहिए। तो वो भी नहीं पता था जब आप नहीं आए। पता था हम तो मान गए मजाक है, वरना पता होता था। मजाक इतना तो पता होता ही कि नहीं करते क्या है, कहाँ से हैं, कैसे हैं, इतना तो पता ही होता है। अगर फैमिली वालों ने भेजा था आशु, अगर उन्होंने भेजा था तो ऑब्वियसली उनके माइंड में कहीं ना कहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात तो थी ना ऑब्वियसली, क्योंकि उनको टेलीविजन पे देखा है। तो किसी और को कुछ आता है भाई ऐसा? आपका भी कुछ ऐसा कुछ है जो बताया नहीं? नहीं, मैं स्विमिंग करती थी और मैं नेशनल लेवल यहाँ तो पानी लाने के लिए छोड़ो। हाँ जी, आपका? मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती हूँ, उसके अलावा सालसा बहुत अच्छा। पता था आपको भैया? राहुल भी बहुत अच्छा, यू नो अबाउट हिम, सालसा डांसर है। सालसा भैया करेंगे सालसा। नहीं, बहुत अच्छे डांसर। राहुल एक दो स्टेप। अरे नहीं,